दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टाटा हमारे देश की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। और टाटा कोई एक कंपनी नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनियों का एक बहुत बड़ा समूह है जो ऑटोमोबाइल, स्टील, केमिकल्स और घरेलू उपकरणों जैसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स को बनाती और बेचती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टाटा टू व्हीलर्स व्हीकल क्यों नहीं बनाती, जबकि हमारे देश को दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर्स मार्केट में गिना जाता है। और पिछले साल ही 2022 में करीब 1.3 करोड़ से भी ज्यादा बाइक्स इंडिया में बिकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी टाटा आज तक टू व्हीलर्स मार्केट में कभी भी कदम क्यों नहीं रखा? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी टाटा मोटर्स को दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर में गिना जाता है। और यही बात लोगों को हैरान करती है कि इतने बड़े ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर होने के बाद भी टाटा टू व्हीलर्स मार्केट में एंटर क्यों नहीं की? तो दोस्तों इसके पीछे दो रीजन है। रीजन नंबर वन, फियर ऑफ फेलियर। टाटा आज भले ही कितनी ही सफल कंपनी क्यों ना हो, पर इसने भी बड़ी से बड़ी फेलियर्स का सामना किया है। खास तौर से नई इंडस्ट्री में उतरते हुए या कुछ नया शुरू करते हुए टाटा ने कई बार असफलता झेली है। उदाहरण के लिए जब टाटा ने 1998 में पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एंटर किया तो बिना ठीक से रिसर्च किए ही टाटा इंडिका को लॉन्च कर दिया, जिसकी शुरुआती मॉडल बुरी तरह से फेल हो गई और इस वजह से टाटा को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। जिसके बाद टाटा को ये समझ में आ गई कि कोई भी इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो बिना प्रॉपर रिसर्च के उस इंडस्ट्री में एंटर करना रिस्की होता है। दूसरी बार टाटा को पैसेंजर व्हीकल मार्केट में फेलियर तब जब उन्होंने टाटा नैनो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। दरअसल नैनो के इस प्रोजेक्ट में टाटा ने मार्केटिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत सारी गलतियां की, जिसके वजह से नैनो प्रोजेक्ट टाटा के सबसे बड़े फेलियर्स में से एक बन गई। और इन सब फेलियर की वजह से टाटा को ये बात समझ में आ गई कि जिस मार्केट के बारे में पूरी तरह से जानकारी न हो उसमें आधी अधूरी तैयारी करके नहीं उतरना चाहिए। वैसे भी टू व्हीलर्स मार्केट में पहले से ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और इसकी सेटअप लगाने में ही काफी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। साथ ही टाटा के तरफ से भी ये बात कई बार सामने आई है कि उन्हें टू व्हीलर्स मार्केट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। और वैसे भी बिना पूरी तैयारी के किसी भी इंडस्ट्री में उतरने का लॉस टाटा पहले ही झेल चुका है। तो फिर ऐसे में फियर ऑफ फेलियर ही टाटा के टू व्हीलर मार्केट में न उतरने का एक प्रैक्टिकल रीजन नजर आता है। रीजन नंबर टू, टाटा ओनली फोकस ऑन सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन। टाटा अपने फायदे से कहीं ज्यादा लोगों की सुरक्षा को इम्पोर्टेंस देता है। अब टू व्हीलर्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि टू व्हीलर्स पर ही सफर करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। आंकड़े भी दिखाते हैं कि हमारे देश में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में से 80% से भी ज्यादा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से ही जुड़े होते हैं। साथ ही रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों में से 80-95% लोग बाइक चलाने वाले ही होते हैं। और इन आंकड़ों से यही साबित होता है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों में टू व्हीलर ही सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। और टाटा का कमिटमेंट पैसेंजर मार्केट के अंदर लोगों को सुविधाजनक और सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है। और साथ ही टाटा ग्रुप टू व्हीलर्स को सेफ वाहन नहीं मानता, इसीलिए टाटा टू व्हीलर्स व्हीकल या फिर कहिए मोटरसाइकिल नहीं बनाती। बाकी दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत एरोप्लेन क्यों नहीं बना सकता तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करिए।